हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने नए व्लॉग में। सो एज यूजुअल, फिर से उत्कर्ष का टाइम टेबल आ गया है कि अब इनके फिर से फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। मतलब हम लोग एक चीज़ से फ्री होते हैं और यहाँ दूसरा सिलेबस आ जाता है, तो वापस से लगना पड़ेगा। और इस बार तो फाइनल एग्जाम है तो ज़्यादा कमर कसना पड़ेगी। और जो उत्कर्ष का होता है ना, सिले सिले मिस्टेक्स ये करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देंगे या कुछ कन्फ्यूज़न में कुछ ना कुछ इसका होता ही है, इसके आधे आधे मार्क्स ज़रूर कट जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ ये सारी चीज़ें। जैसे हम लोग PTM में जाते हैं तो टीचर्स हमेशा ऐसे खुल के शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आधा मार्क्स कट रहा है तो वो क्या ही बोले, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि आप उत्कर्ष पे ध्यान दीजिए, बहुत ही स्ली मिस्टेक करता है, जो अगर थोड़ा सुधार लेगा तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। सुन के अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ क्या करूँ इसके साथ में, और ये क्यों कन्फ्यूज़ होता है, क्या हो जाता है। हालांकि अगर मैं ज़्यादा सोचूं तो मुझे लगता है यार, एग्ज़ाम का प्रेशर सबके ऊपर होता है और बच्चों का कन्फ्यूज़न थोड़ा सा जायज़ होता है, तो मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहती। लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को उत्कर्ष के रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल किया है, और मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बताने जा रही हूँ। जितनी भी मम्मियाँ हैं वो प्लीज़ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन चीज़ों को आप लोग फॉलो करना ज़रूर से शुरू कर दीजिए। 15-20 दिन में आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कितना भी हम पेरेंट्स मेहनत कर ले, लेकिन प्रेशर तो बच्चों के ऊपर बना ही रहता है। और जैसे हम लोग योगा पे इस समय देख रहे हैं कि कितना ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों को भी स्कूल में योगा ज़रूर से करवाया जा रहा है। एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, हर तरह की एक्सरसाइज बच्चों को करवाई जा रही है, ताकि मेंटली वो लोग बहुत ज़्यादा फिट रहें, उनका ब्रेन अच्छे से काम करे और जितना भी वर्कलोड हो उसके हिसाब से बच्चे उस प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएं। तो मैंने भी कुछ चीज़ों को अपने हस्बैंड से सीखा है। वो आप सब जानते हैं कि वो योगाचार्य हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे मैं वर्क कर रही हूँ। क्योंकि बीते कुछ व्लॉग में, मैंने एक दो व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से मैंने उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया था। तो मैंने जब डिस्कस किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने ब्रेन को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए हम जो चीज़ें खाते हैं पीते हैं उसकी जगह हम कुछ एक्सरसाइज ब्रेन के लिए करें, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज बताई कि ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर आपका ध्यान होना चाहिए कि उल्टे विपरीत दिशा में भी आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए, उल्टे हाथों से राइटिंग करो, बिल्कुल सीधे हाथ की तरह उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों से आपका ब्रेन जो है स्ट्रांग बनता है। बट फिर भी मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट जानना चाहती थी, तो मुझे कई सारे पॉइंट्स बताए कि जैसे हम लोग दिन भर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो चलते फिरते हमें किन पॉइंट्स को हमेशा प्रेस करते रहना चाहिए ताकि हमारी याददाश्त मजबूत हो। केवल ब्रेन हमारा तेज वर्क करे वो ज़रूरी नहीं है, हमारी याददाश्त स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स हैं उनमें से केवल 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पॉइंट्स बहुत सारे बताए हैं, यहाँ सीने में भी होता है, आपके घुटनों के नीचे भी होता है, पैरों में भी होता है, लेकिन हर जगह के पॉइंट्स एवरी टाइम प्रेस करना इम्पॉसिबल है। बट 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम हमेशा प्रेस कर सकते हैं, और वो भी मैंने उत्कर्ष को बताए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर करूँ, ध्यान से सुनिएगा। सो सबसे पहला पॉइंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और केवल स्टूडेंट नहीं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारे मस्तिष्क को यानी हमारी याददाश्त को तेज करने के लिए होते हैं, तो ये बड़े लोग भी कर सकते हैं, केवल बच्चे नहीं। मैं बच्चों को इसलिए ध्यान में रख रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और एग्जाम के टाइम में उनको पढ़ा हुआ भी लगता है कि भूल गए। तो 15-20 दिन इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। पढ़ाई करते करते भी बच्चे इन पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। कैसे प्रेस करना है? जहाँ हम एकदम दोनों आईब्राउज के सेंटर में ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और इसे झटके से छोड़ देना है, फिर इसको प्रेस करना है ऐसे कम से कम 5-6 बार या 10 बार, आपको जितना भी हो। और यहाँ प्रेस करने पे आपको पेन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कोई पेन नहीं होता, सिर्फ आप प्रेस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे आप एवरीडे 10 टाइम अगर कर सकते हैं तो करिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और उनके मम्मी पापा के लिए बता रही हूँ, बड़े लोग भी इसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है ये हमारे लिप्स के ऊपर वाला, ये जो एक पोर्शन यहाँ हल्का सा गड्ढा दिखता है, उस पॉइंट्स को आप जो है यहाँ पे प्रेस कीजिए, और सेम वही काम करना है कि आपको इसे प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा दर्द एकदम हो जाए वैसा प्रेस नहीं करना है, और फिर सडनली आपको इसको छोड़ देना है। और तीसरा पॉइंट हमारी गर्दन के पीछे होता है।
और उसे आपको इन दो उंगलियों से, ये जो दो फिंगर्स होती हैं, इनसे आपको प्रेस करना है। मैं यहाँ फोटो में आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अब वो पॉइंट मैं आपको कैसे दिखाऊँ, मेरे तो बाल हैं, मगर आप उसे उंगली से जब फिंगर से टटोलेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि गर्दन का कौन सा पॉइंट आपको हल्का प्रेस करना है, सडनली आपको अपनी उंगली हटा देना है। तो ये तीन पॉइंट मैं मेंशन कर रही हूँ, इनकी फोटो भी डाल दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखें। सीने का पॉइंट और घुटने का या पैरों का पॉइंट मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं तीनों में बहुत रिलैक्स लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ये करती हूँ। और जब उत्कर्ष खेल रहे होते हैं तब मैंने इनको भी बोला है कि थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने लिए तुम खुद से भी कोशिश करो, मम्मा जो करती है तुम्हारे लिए वो तो करेगी, लेकिन तुम भी करो, क्योंकि बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो सीधे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और गर्दन के पीछे वाला पॉइंट, ये तीन पॉइंट जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और मुझे लगता है कि हम जो बच्चों को खाने पीने के लिए देते हैं या बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जब हम धीरे धीरे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे उनके वर्क करने लगेंगे तो उनको रिलैक्स फील होता है। जितना भी ब्रेन के पास हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, उनके प्रेशर से जो है ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। और इन सभी पॉइंट्स का रिजल्ट मैंने खुद से भी देखा है, खुद से नोटिस किया है। अच्छा, इसके अलावा मुझसे बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें पूछी हैं। हार्ट के लिए किसी ने मुझसे पूछा है, किसी ने बीपी के लिए पॉइंट्स पूछे थे, या कुछ ऐसी चीज़ें पूछी थी कि सडनली हार्ट बीट बढ़ जाती है, सडनली बहुत नर्वस होने लग जाते हैं, हाथ पर कांपने लग जाते हैं, उनके लिए भी मैंने चीज़ों को पूछा है। लेकिन एक वीडियो में एक चीज़ को ही मैं मेंशन करूँगी, अदरवाइज़ आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि इतना स्पष्ट खुल के बताने के बाद भी जब मुझ पर क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल ज़रूर करूँगी। ये सारे पॉइंट्स आपके खुद की बॉडी में हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे कि जितनी तेज विज्ञान ने तरक्की की है, उतनी तेज हमारे जो प्राचीन ज्ञान है उसने तरक्की की है। सारे लोग जो है वापस से योगा पे विश्वास करने लगे हैं, आयुर्वेद पे विश्वास करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ही खुद की प्राचीन धरोहर सामने आ रही है, और हमारी बॉडी को, हमारे अंगों को हम अगर अच्छे से समझने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इससे पहले माइग्रेन के लिए आप लोगों को बता चुकी हूँ, माइग्रेन के लिए अभी मुझसे कई लोग पूछते हैं, बहुत तेज दर्द होता है उसके लिए मुझसे पूछते हैं। तो देखो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, मैंने जो हाथ के पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पॉइंट्स मैंने कुछ बताए थे यहाँ पे, वो वीडियो को मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग उस पर विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप एवरीडे ये सारी चीज़ें चलते फिरते अपने घर के काम के साथ ये करते हैं तो आपको इतनी तेज दर्द नहीं होगा, आपको इतना तेज अटैक नहीं आएगा कि आप एकदम ये मान के बैठ जाते हो कि अब तो माइग्रेन का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, अब तो इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है। तो ये सबसे पहले इस बात का इलाज कर लीजिए कि हर चीज़ का इलाज है, और वो आपके हाथों में है, दूसरे के हाथों में नहीं है, आपके खुद के हाथों में है, आपकी खुद की इच्छा शक्ति में है। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए कि और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, सीखते रहिए और उसे प्लीज़ ट्राई करते रहिए। सो इसी के साथ मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर लूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले, अगर ये वीडियो आप लोगों के काम की है तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई सवाल मन में उठता है तो ज़रूर से कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ अपनी हर एक चीज़ में शेयर करती रहूँ, आप लोगों के साथ सीखती और सिखाती चलती रहूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।